वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आलवेज प्रेजेंट पे। फ्रेंड्स, आप लोगों के जैसे कमेंट्स आ रहे थे लास्ट वीडियो में कि भाई आपकी वॉइस कुछ स्लो आ रही है, तो वॉइस का प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। वॉइस आपको शायद क्लियर और काफ़ी सफिशेंट मिल रही होगी। फ्रेंड्स, तो आप लोग को बिना मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग एक न्यू यूट्यूबर जब होते हैं तो अपना जब चैनल क्रिएट करते हैं तो आप अपने मोबाइल में या किसी दूसरे के मोबाइल में आप जब अपना चैनल सर्च करते हैं तो चैनल सर्च में नहीं आता है। आप लोग बहुत ही परेशान होते हैं कि मेरा चैनल सर्च में क्यों नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीज़न होता है कि चैनल आपका सर्च में क्यों नहीं आता है। वो रीज़न ये होता है कि मैं आपको इस वीडियो में फुल वीडियो का फुल बात करिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में समझाऊँगा, आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या वजह होती है जो कि आपका जो चैनल है वो सर्च में नहीं आ पाता है। और आपको अपना चैनल ग्रो करने के लिए क्या होता है कि आपको व्हाट्सएप पे या किसी फेसबुक अन्य जगह पे आपको खुद से लिंक कॉपी करके सेंड करनी पड़ती है चैनल को ग्रो करने के लिए। तो शायद अब वो समस्या आपको नहीं रहेगी। मैं जितना बताऊं आप सिर्फ उतना देखिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। अगर आप स्किप कर दोगे तो शायद आपके समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है, और आपको फिर से वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट में जरूर कमेंट करके जरूर हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जो जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। और मैंने जो एक सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज कैसे करें, मतलब कैसे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अभी बनाई है, ठीक है। वो आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी, यहाँ पे आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा, अभी आपको आई बटन से मिल जाएगी, आप देख लेना, आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिट होगी, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल को ऊपर ही रखा है, ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, देख रहे हो, मैंने इसे ऊपर रखा है। अगर आपको ऊपर नहीं आता है तो आप यहाँ से जो है यहाँ से आप सर्च मार सकते हो, यहाँ पे जो अपना चैनल का नाम सर्च या सिर्फ यूट्यूब डाल दोगे आपके सर्च में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपकी ये साइड ना लोड ले, ठीक है, रीलोड अगर करना पड़े है, तो आपको यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आएंगे, आप इन्हें ऊपर कर लीजिएगा। ये देखिएगा, आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप साइट का, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे इसे ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में चलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, कुछ टाइम के बाद में आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये आपको जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है वीडियो मैनेजर, ठीक है। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम के बाद में आपका वीडियो मैनेजर, जहाँ पे आपके सारे वीडियोज़ होंगे, आपकी फ़ाइल जो होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसे ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, तो जैसे ही आप सर्च करोगे उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आप इसे जब थोड़ा सा ऊपर की ओर जब करेंगे, ठीक है, तो आपको ये देखिए चैनल, ये आपके सामने देखिए, ये दिख रहा है आपको चैनल का ऑप्शन, ठीक है, ये आपको चैनल का ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। और आपको सिंपल क्या करना है, इसे थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा देना है, और क्या करना है सिंपल, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे देखिए लिखा है एडवांस्ड, ठीक है, लिखा है एडवांस, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है, ये देखो लिखा है एडवांस, ठीक है, ये एडवांस का ऑप्शन दिया है। आपको सिंपल जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप सिंपल उस साइड पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये देखो लिखा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपकी कंट्री का नेम पड़ा हुआ है, ये देखिए जो मेन चीज़ है वो ये लिखी हुई है, ये देखिए लिखिए लिखा हुआ है चैनल कीवर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखो मैंने अपने चैनल का नाम कितने तरीके से डाल रखा है, ठीक है। एक तो देखो थोड़ा मैं जूम करके और दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है, मैंने डाल रखा है ऑलवेज प्रेजेंट, एक तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने स्मॉल से स्टार्ट किया है वो डाला हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया हुआ है उसे डाला है, फिर मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया है और प्रेजेंट को स्मॉल से स्टार्ट किया है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो मैंने बीच में, ये देखिए यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस दे दिया है, और ये देखिए जो यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस नहीं दिया है, और ये मैंने कैपिटल ऑलवेज को तो कैपिटल किया है बट प्रेजेंट को मैंने स्मॉल से स्टार्ट किया है। तो आपको ऐसे ही दो तीन तरीक़ों से, जितने मतलब दो तीन चार तरीक़ों से हैं, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, दो तीन चार तरीक़ों से आप अपने चैनल का नाम इस जो दिख रहा है ये कीबोर्ड, ठीक है, चैनल कीबोर्ड इसमें डाल देना है आपको, और डाल लोगे उसके बाद में आप किसी के भी मोबाइल से या खुद के मोबाइल से आप तुरंत सर्च करके देखना, आपका चैनल सबसे ऊपर सर्च में आएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि चैनल से रिलेटेड थी, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, वो मैंने ऊपर आई बटन पर डाल दिया, ठीक है, आप वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हो, उसे देख सकते हो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।